जन से पंजाब पुलिस पीपी आप लगा लेती है तरफ पीपी से तो वेलकम नहीं पी। उससे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं अपनी स्कूल जहां से मैंने 12th क्लास पास की है। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम यहीं पे से। तो आज हम जाने वाले हैं पास के ही गांव में, क्योंकि दिवाली ख़त्म हो चुकी है तो पास के गांव में रामलीला चल रही है, तो हम आज वहीं जाने वाले हैं। तो मेरे साथ और भी भाई लोग हैं जो गांव में दिवाली की छुट्टी लेकर आ रखे थे, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि उन्होंने रामलीला नहीं देखी। तो हमने कहा ठीक है फिर चलते हैं। तो हम 9-10 बंदे हैं जो जा रहे हैं, तो बस अब हम निकलने वाले हैं और बाकी मैं आपको थोड़ी रोड ट्रिप दिखाऊंगा और उसके बाद वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो अब वहाँ दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं। तो मैंने बोल दिया है जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, है ना? तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये हमारे पिंटी भाई, ये हमारे छोटे बुल्ला और इधर है हमारे भाई जी, ज़रा हेलो कर दीजिए। यह तो बस गाड़ी शुरू होने वाली है, बाकी भाई लोग आगे पे खड़े हैं, तो बाकी आगे पे मिलते हैं आपको, ठीक है? तो दोस्तों, सारे भाई लोग पीछे खड़े हो रखे हैं और बस अब निकलने वाले हैं। एक दो तो निकल चुके हैं और अब हमारी बारी है, एक भाई और आ रहा है, उसके बाद सीधा हम जाने वाले हैं। तो उसके बाद आपको थोड़ी सी रोड ट्रिप दिखाएंगे, उसके बाद सीधा वहीं मिलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां हमने जाना था। तो मैंने आपको नाम तो बताया नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे आज धौलकित खाल, जो हमारे गांव से थोड़े से पास में है, तो वहाँ रामलीला थी, हमने जैसे मैंने बता ही लिया है। तो हम पहुँच चुके हैं, बट रामलीला देखने से पहले मैं आपको अपना स्कूल दिखाना चाहता हूँ जहाँ से मैंने 12th क्लास पास की है। तो आप ये पीछे जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये मेरी स्कूल का ही ग्राउंड है। तो हम स्कूल में एंटर कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर पानी पीने के लिए आ रखे थे, क्योंकि यहाँ पर पानी का नल था। ऊपर ये प्रिंसिपल स्टाफ है, तो यहाँ सारे टीचर्स रहते हैं। और ये है हमारे टाइम पे तो यहाँ आर्ट्स की क्लासेस चलती थी, और उसके इधर पे साइंस की। तो इधर का तो ये है, फिर यहाँ पे छोटा सा एक ग्राउंड है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। मेन क्लासेस मेरी स्कूल की यहाँ है। तो हमारी जो क्लास थी वो थी ये, तो हमने 11th और 12th इसी क्लास में पढ़ी, और इसके इधर थी 10th, और उसके इधर थी 11th, वो वाली 11th की है, और फिर वो 12th की थी आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का है इधर साइड, और ऊपर भी है। तो हमारे टाइम पे तो यहाँ 9th वाले पढ़ते थे, और जो ये पीछे है इधर हमारी क्लासेस चलती थी। तो ये है मेरा स्कूल धौलकित खाल इंटर कॉलेज। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्कूल, और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे रामलीला चल रही है। तो स्कूल के थोड़े ही पास में रामलीला चल रही है, तो स्कूल टाइम पे भी हम आते थे रामलीला देखने के लिए, तो इस बार भी हम आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अच्छा लग रहा है।
तो चलिए फिर, आवाज़ आपको सुनाई देने लग गई होगी, तो बस पास में ही है, चलिए। तो दोस्तों ये रहा जहाँ पे रामलीला चल रही है, तो भीड़ तो काफ़ी हो रखी है क्योंकि ये एक मार्केट है, यहाँ पे पास के गांव में ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पास के गांव में, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ठीक मेरे पीछे पे। तो चले फिर चलते हैं नीचे। आजकल हमारे घर आलमा पढ़े कम, ऑनलाइन पढ़े नहीं होनी, ऑनलाइन अब दारू भी बिकन बैठ गया, जब जोरदार ताली उन झांझे खड़े की जब का बजाना है सब का आदमी झांझे वाला तब ये खुशी से बजाना है ना। अच्छा जन आप सुन हुआ दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, वह मैं भी पीना की देखो तुम कि जन से पंजाब पुलिस पीपी अब लगा लेते हैं तरफ पीपी से तो वेल करने पे एक भाई हरियाणा पुलिस एचपी मतलब हॉर पी, एक भाई एमपी मतलब मस्त घेरी पी छह सन्ना, और एक भाई यूपी ना उत्तर जल से पी दे बोले पे अर्थात से हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस यूकेपी उल्टे कर और फिर पी। धन्यवाद केशवरपुर का आता है अर्चा। तो अभी आपने देखा सुपर काका भयंकर पार्ट, तो काफ़ी ज़बरदस्त खेला उसने, जो भी जिसने भी खेला मुझे नाम नहीं पता। तो यहाँ पे पीछे पे रामलीला चल रही है, यहाँ की लोकेशन कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पे दुकान, वहाँ पे दुकान, और वहाँ पे रामलीला चल रही है। रामलीला के अगल बगल में काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है। दोस्तों ये हैं राम और लक्ष्मण, तो सीता का तो अभी रोल चल रहा है, तो उसके साथ फ़ोटो नहीं खींच पाए, तो यहाँ इनका ड्रेसिंग रूम है, और इधर से यहाँ पे एंट्री करते हैं ये, तो कुछ झलकियाँ दी है ढोल के रामलीला की। तो चलिए दोस्तों अब हम भी चलते हैं घर, तो बहुत टाइम बाद यहाँ की रामलीला देखी तो काफ़ी अच्छा लगा, तो बस अब चलते हैं थोड़ी देर बाद घर।